बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेशनरी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एवरीडे साइंस एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज उसमें पार्ट 14 अपलोड करते हैं, 14 नंबर पार्ट। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से आज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 301 देखें दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 301। द क्रैकिंग साउंड hard when dry hair is combed with a hard rubber comb is due to। क्वेश्चन इस तरह है कि जब अपने बालों को आप कंघी कर रहे हैं और आपके बाल खुश्क हो तो उससे आवाजें आ रही हैं, ये क्यों आ रहे हैं ये आवाजें? दैट इज ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 302 देखिए दोस्तों, 302। डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय। डिटर्जेंट जब हम बॉडी में हल कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़े साफ करने में मदद देते हैं। दिस इज ड्यू टू रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 303 देखें, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन वॉल्स। ब्लॉटिंग पेपर पर जब आप स्याही गिरती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 304 देखें दोस्तों, 304 नंबर क्वेश्चन। Materials for rain-proof coats and tents owe their waterproof properties to rain-proof coats और tents। तो आपने देखे होंगे कि उससे बारिश के पानी नीचे नहीं गिरती, तो इसकी वजह क्या है, सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 305 देखिए दोस्तों, A satellite moving around the earth with uniform speed has uniform acceleration, option C। और क्वेश्चन नंबर 306 देखें, for being able to see three dimensional pictures we have to use, तीन साइडों वाले पिक्चर देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एपिडायोस्कोप एंड एपिडायोस्कोप ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 307 देखे दोस्तों, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको फॉरेन हीट में कन्वर्ट करोगे तो 39.16 फॉरेन हीट। क्वेश्चन नंबर 308 देखें, द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वॉज फर्स्ट प्रोफाउंड बाय, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 309 देखें, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क इज, दूध की खालिसियत को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन बी जो है ना, हाइग्रोमीटर, ये हवा में नमी के डिटेक्ट करता है, यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। और ऑप्शन सी जो है मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है, गैस प्रेशर मैयर करता है, या हाई प्रेशर भी हम कह सकते हैं।
और ऑप्शन डी सोनोमीटर, ये क्या करता है, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 310 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, ये तो इजी क्वेश्चन है, रबर इज द मोर इलास्टिक अमंग दीज। 311 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, वाटर वेपर्स बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन, दिस इज रिजल्ट ड्यू टू कंडेंसेशन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 312 देखिए दोस्तों, द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली इन एनिमल्स बट बोन में जो सबसे आम सब्सटेंस है वो कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, जब गोडे दर्द करते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि यार आपने कैल्शियम की कमी है। क्वेश्चन नंबर 313 देखे, 313, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, शहद में अहम अज्जा जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज, ये पनों की शक्कर को कहते हैं और इसकी मिकदार 48.2% है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 314 देखिए दोस्तों, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 315 देखें, 315, रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन डी, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 316 देखें दोस्तों, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बैलून एंड एयरशिप्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इसमें ऐसा है कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, हीलियम। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि लाइटेस्ट गैस ऑफ द यूनिवर्स, लाइटेस्ट गैस जो है ना वो हाइड्रोजन है, तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हीलियम को क्यों बनाता है, हीलियम इसलिए कि हीलियम भी इसके बाद लाइटेस्ट है लेकिन ये सेफ है, महफूज है, हाइड्रोजन जल्दी आग पकड़ता है और हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स, ये भी याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317 देखें, 317 नंबर, अ स्लो रनिंग पेंडोलियम कैन बी स्पीडेड अप बाय, पेंडोलियम को तो आप जानते होंगे, अगर उसकी रॉड की साइज को हम छोटा करें तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। क्वेश्चन नंबर 318 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 318, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, वजन करने वाली मशीन पर एक बंदा खड़ा है, इन ऑल लेफ्ट, और वो लेफ्ट में है, विच इज मूविंग, वो लेफ्ट मूव कर रहा है, द वेइंग मशीन विल स्लो मिनिमम शो, सॉरी विल शो मिनिमम रीडिंग व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी, इन अ प्री फॉल ड्यू टू फेलियर ऑफ द लिफ्ट मैकेनिज्म, अगर लिफ्ट को फ्री किया जाए और वो नीचे गिर रहा है तो उस वक्त वजन जो है वो कम से कम शो करेगा वजन वाली मशीन। और क्वेश्चन नंबर 319 देखे, 319 नंबर क्वेश्चन देखे दोस्तों, द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड विच कैन काज डैमेज टू द ईयर ड्रम इज, साउंड को दोस्तों ये डीबी जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब है डेसिबल्स, और साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल्स में, तो
इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को देखें 100। जब साउंड की डीबी साउंड ये इंक्रीज हो जाए 70 से ज्यादा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कानों के ड्रम को डैमेज करता है, लेकिन जब 100 से ज्यादा हो जाए तो फिर इमीडिएट उसको डैमेज करता है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो को देखें दोस्तों। फ्यूज वायर इज मेड, फ्यूज जो बिजली में हम लगाते हैं ना शॉर्ट सर्किट के कंट्रोल करने के लिए फ्यूज लगाते हैं, तो वो अलाई से बनते हैं टिन और लीड के, और उसके ये खसूसियत होती है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत लो होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, 63% टिन तांबा और 37% उसमें लीड होता है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आने की जरूरत में, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।